Hello students, today we will discuss about the taxonomical apes. Students, हमारा chapter 1 चल रहा था, that is living world. इसके अंदर हमने बहुत सारे topic discuss कर लिए हैं. अब जो हमारा next topic है, that is taxonomical apes. What is taxonomical apes? इससे पहले कि हम इसकी definition को समझें और इसके जो characters हैं, जो इसकी speciality है वो समझें, इससे पहले हमने जो topic discuss किया था, that is taxonomy. टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, इट्स नॉट इजी प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, इट्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स. यहां पर बहुत सारी स्टेप्स होती है, टोटल मैंने आपको 7 स्टेप्स बताई थी, जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजी वे में क्लासिफाई करते हैं. और टैक्सोनॉमी का मीनिंग ही क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ वी डू द क्लासिफिकेशन प्रोसेस, कैसे करते हैं हम. सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आइडेंटिफिकेशन होता है, देन डिस्क्रिप्शन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा, ये सारे जो मैंने आपको इसमें टर्म्स बताए हैं, ये सब प्रोसेस में आते हैं किसके, टैक्सोनॉमी के. तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की थी वो 7 कैटेगरीज, किंगडम से लेकर हमने स्पीसीज तक इसको पूरा डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एप्स, यानी जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो आपको इसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसको डिफाइन करने से पहले हम कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर डिस्कस करें. बेटा जब भी किसी भी फील्ड के अंदर आप जाएंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे काम में आते हैं. जैसे कि कौन कौन से फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो जब भी आप इन फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपको इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करनी बहुत जरूरी है, उनकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी की जाती है इन फील्ड्स के अंदर. और स्टडी आप कैसे करोगे, कुछ टॉपिक्स हैं जो कुछ इसमें हम स्पेशलिटी है इसकी, कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जैसे कि पहला कैरेक्टर है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड. यानी जब भी आप इस फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपको सभी प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करनी जरूरी है, तभी आप इसमें अच्छा वर्क कर पाएंगे. और टैक्सोनॉमिकल जो स्टडी होती है, जब भी ऑर्गेनिज्म की जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से हम उन्हें पहचानते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टैक्सोनॉमिकल स्टडी के अंदर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करना होगा किसका, ऑर्गेनिजम्स का. और ये काम हम कहाँ करते हैं, हम कैसे करेंगे, या तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड का मतलब है आप अगर किसी प्लांट को स्टडी करना चाहते हैं तो आप फील्ड में जाएंगे, बाहर जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, वहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है, और या फिर आप लैब के अंदर स्टडी करेंगे. तो आपको बहुत सारे वर्क की रिक्वायरमेंट होती है और ये सारा काम आप कहाँ करते हैं, फील्ड के अंदर करते हैं या लेबोरेटरी में करते हैं. और जब भी आप अगर लैब में ये काम कर रहे हैं या फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको वहां पर बिल्कुल रियल प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन चाहिए. स्पेसिमेन आप जानते हैं, एक जिसे हम कहते हैं सैंपल्स, है ना, लिविंग, लेकिन आपको बिल्कुल लिविंग सैंपल उसके चाहिए और तभी आप उनको स्टडी कर पाओगे. बिल्कुल रियल स्पेसिमेन होते हैं, तब आप उनका आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन देन क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे. तो टैक्सोनॉमिकल एप्स क्या करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजी वे में क्लासिफाई करने के लिए. तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एप, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे, टैक्सोनॉमिकल एप्स हेल्प टू क्लासिफाई एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं वो इजी हो जाता है जब हम किसको यूज करते हैं, टैक्सोनॉमिकल एप्स को यूज करते हैं. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप टैक्सोनॉमिकल एप्स के बारे में जानेंगे. अब जब हम क्लासिफाई करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो हमारे वो एरियाज क्या है, वो टैक्सोनॉमिकल एप्स क्या क्या होती है, उन टैक्सोनॉमिकल एप्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल एप्स होती है, पहले उनके नेम हम देखते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो टैक्सोनॉमिकल एप्स की फॉर्म में हमारे काम में आती हैं. तो इसमें फर्स्ट है आपका हर्बेरियम, या हर्बेरिया जिसे हम बोलते हैं, हर्बेरियम. सेकंड है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन.
देन आते हैं म्यूजियम, देन जूलॉजिकल पार्क, एंड कीज। एंड सिक्स नंबर पे अदर एड्स भी हैं, इसके अलावा भी कुछ और एड्स हैं जो काम में आती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हमें इन सबको स्टडी करना है। तो दीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। हर्बेरियम में हम जा सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज की थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ अदर एड्स होती हैं जैसे मोनोग्राम वगैरह, वो भी हम इसमें यूज करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज हर्बेरियम, सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है डिफाइन करने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ हर्बेरियम क्या चीज है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स एंड प्लांट्स स्पेसिफिक, है ना, जो भी प्लांट। सिर्फ ये किसके लिए होता है हर्बेरियम, ओनली फॉर प्लांट्स। ये एक स्टोर हाउस होता है जहां पर हम प्लांट्स के स्पेसिमेन को रखते हैं। ये जो प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं ये प्रेस्ड होते हैं, इनको प्रेस किया जाता है, इनको बिल्कुल शीट के ऊपर स्टिक किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है। यानी आप कोई भी फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में आपको वहां पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की स्पीसीज मिल रही है जो आपके काम में है, आ रही है, जिन्हें आपको रिसर्च पर्पज के लिए चाहिए या स्टडी करना है, तो उनको वहां से आप लेके आ सकते हैं। उन्हें आपको प्रेस करना होता है, ड्राई करना होता है, देन आपको एक हर्बेरियम शीट होती है उसके ऊपर उसे स्टिक करते हैं और इसे हम प्रिजर्व फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि कई बार जब आप इनको हर्बेरियम शीट में रखते हैं तो फंगस लग जाती है या कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे कि आपकी शीट खराब हो सकती है, तो वहां पर हम कई तरह के प्रिजर्वेटिव जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह इनको यूज करते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो जब भी आपको कोई भी प्लांट की स्टडी करनी है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हर्बेरियम में जा सकते हैं। वहां पर बेटा पूरा इनका सिस्टम होता है और ये पर्टिकुलर एक फॉलो करते हैं हम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आप आगे स्टडी करेंगे तो उनमें जो हम फॉलो करते हैं वो बेंथम एंड हुकर का है। बेंथम एंड हुकर ने एक प्रॉपर सिस्टम दिया था, क्लासिफिकेशन किया था, और उसी क्लासिफिकेशन के बेस पर हम वहां पर इनको रखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले कौन सा ग्रुप आएगा, उसके बाद हम कौन से ग्रुप को रखना चाह रहे हैं। तो हर्बेरियम एक तरह से हमारी एड है। आपको जब भी किसी प्लांट के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप कहां जा सकते हैं, हर्बेरियम। वहां पर हमारे पास पूरी फाइल्स होती है जिनमें शीट्स होती है, उन शीट्स के अंदर हम ड्राई स्पेसिमेन लगाते हैं प्लांट्स के और बिल्कुल उसका जो लोअर राइट कॉर्नर होता है वहां पर एक लेबल लगाते हैं, उस लेबल पर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उस प्लांट स्पेसिमेन के बारे में होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें, हर्बेरियम क्या होता है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स एंड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्बेरियम। यहां पर हम इस तरह से स्पेसिमेन को ड्राइड एंड प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखते हैं। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, प्लांट स्पेसिमेन प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक शीट्स। यहां पर स्पेसिफिक जो शीट्स होती है उनके ऊपर हम इनको स्टिक करके रखते हैं, एट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ शीट अ लेबल इज प्रेजेंट इन विच ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस इज द हर्बेरियम और इसमें हम
हम जो फॉलो करते हैं हार्वी लेम के अंदर, इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें हार्वी लेम के अंदर हम यूनिक, जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉलो होता है वो सिस्टम यूज करते हैं। तो बेंथम एंड हुकर आप आगे पढ़ेंगे, उसका इंडिया के अंदर जितने भी हर्बेरियम है वहां पर बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बेस पर ये रखे गए हैं। और जो लेबल होता है उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये भी आप देखिए, जो लेबल होता है लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें होता है कलेक्टर्स नेम, जिसने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा रहेगा। सेकेंड थिंग डेट, थर्ड प्लेस कहां से आपने उसे कलेक्ट किया है वो जगह भी लिखी होती है। इसके अलावा बॉटनिकल नेम, जो भी स्पेसिमेन आपने लिया है इसका बॉटनिकल नेम होता है, उसकी फैमिली होती है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको लेबल के ऊपर लिखनी मिलती है। जब आप स्टडी करेंगे तो वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिससे कि आप उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एड, टैक्सोनॉमिकल एड हर्बेरियम, जिसके अंदर हम इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। अब सेकेंड हमारे आएगा बॉटनिकल गार्डन। सेकेंड जो हमारी एड है दैट इज बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम में ये डिफरेंस है, हर्बेरियम में बेटा आप स्पेसिमेन को जो रखते हैं वो ड्राई होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और वो प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं, लाइव नहीं होते। लेकिन बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं उसमें रियल प्लांट्स आर प्रेजेंट, है ना। तो सेकेंड जो हमारा है दैट इज बॉटनिकल गार्डन। एंड व्हाट इज द बॉटनिकल गार्डन, क्या होते हैं बॉटनिकल गार्डन? इट इज अ प्लेस वेयर रियल प्लांट स्पीसीज आर प्रेजेंट। यहां पे प्लांट ग्रोथ करते हैं, रियल प्लांट होते हैं जो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं अलग अलग, एंड पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। एंड इन ईच प्लांट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट इज प्रेजेंट। इनको हम एक नाम से और जानते हैं, जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं इन्हें हम आउटडोर लेबोरेटरीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आउटडोर? देखो लैब हमेशा होती है इंडोर होती है, हम स्कूल्स वगैरह के अंदर जो लैब होती है उसमें हम स्टडी करते हैं स्पेसिमेन वगैरह की, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फील्ड के अंदर। बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो एक तरह से क्या है, बस हम वहां पर उनको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखते हैं तो सेफ रहते हैं वो, और वहां रियल प्लांट्स होते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये अंदर नहीं है, आपके स्कूल के अंदर नहीं है, आपको जाना पड़ेगा बॉटनिकल गार्डन में। तो एक तरह से ये क्या होती है, ये आउटडोर लेबोरेटरी है। तो लैब, क्योंकि लैब में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की रिसर्च करते हैं, तो आप रिसर्च पर्पज के लिए ही जाते हैं, लेकिन इसमें आप बाहर जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, आउटडोर लेबोरेटरीज। एंड इसका फंक्शन क्या है, वी कैन स्टडी वेरियस प्लांट्स एंड रिसर्च वर्क। हम यहां पर अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह की जो स्पीसीज उनको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आपको रियल एनवायरमेंट मिलेगा, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो रियल होते हैं। जबकि जब हम हर्बेरियम की बात करते हैं तो हर्बेरियम में आप सिर्फ छोटे प्लांट्स हैं उनको ड्राई करके और उनका कुछ पार्ट आप पार्ट्स ले सकते हैं, जैसे कोई फ्रूट हो गया, कोई फ्लावर वाला पार्ट हो गया, तो वो भी बहुत छोटा होता है, या उनके कटेड पार्ट्स होते हैं जो आप शीट के ऊपर स्टिक कर दें। लेकिन अगर आपको होल प्लांट को स्टडी करना है, होल प्लांट को आप स्टडी कहाँ कर सकते हैं, इनमें आउटडोर लेबोरेटरीज के अंदर जाके, यानी बॉटनिकल गार्डन में आपको पूरा होल जो प्लांट होगा उसको स्टडी आप कर सकते हैं। हर प्लांट के ऊपर लेबल होता है,
होता है जिसमें उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्लांट की होती है वो आपको वहां पर मिलेगी। तो ये हमारी दूसरी टीचिंग सॉरी टैक्सोनॉमिकल एड है जो हमने इसमें स्टडी की। नेक्स्ट हमारा आएगा थर्ड हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है, दैट विल बी द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आप सबने इसके बारे में सुना है, जू भी हम बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क भी होते हैं, जू होते हैं, वो सब इसी में आते हैं। क्या होते हैं जूलॉजिकल पार्क? जूलॉजिकल पार्क में हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, यहाँ पर इनकी पूरी केयर की जाती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क? इन जूलॉजिकल पार्क wild animals are kept in protective environment under human care। पूरा रियल उनका एनवायरमेंट होता है लेकिन वहां पर पूरी हमारी जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो उन्हें पूरा प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रखते हैं, पूरी उनकी केयर होती है लेकिन उनको मिलता है नेचुरल एनवायरमेंट उनका नेचुरल होता है। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि जू के अंदर हम एनिमल्स को रखते हैं केजेस के अंदर, तो वहां पर उनकी हम एक्चुअल हैबिट्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं, उनकी एक्चुअल फूड हैबिट्स क्या होती है, उनका बिहेवियर क्या होता है। तो हम ये सब चीजें एक रियल एनवायरमेंट में जाके अगर स्टडी करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर हम एनिमल्स की फूड हैबिट्स को और उनकी जो बिहेवियर है उनको स्टडी कर सकते हैं। इन जूलॉजिकल पार्क वी कैन स्टडी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके का उनका फूड होता है, उनकी ब्रीडिंग टेक्निक्स। कई बार ऐसा होता है वहां पर उनकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है तो आपको वो भी पता लगता है, बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए वी कैन गो द जूलॉजिकल पार्क।